Hello children, today we are going to do this exercise about bigger number and smaller number. Okay, we will compare two numbers, right? दो नंबर को कंपेयर करेंगे एक दूसरे के साथ और हम ये जानेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है. ओके, और उस नंबर को हम सर्कल कर देंगे. लाइक सी इन दिस फर्स्ट एग्जाम्पल 11, राइट, 11 एंड 13. 11 बड़ा है कि 13 बड़ा है? 10 के बाद 11 आता है, फिर 12 आता है, फिर 13 आता है ना. तो जब हम बढ़ते हुए नंबर्स के साथ चलते हैं, जब नंबर बढ़ता है तो नंबर बड़ा होता जाता है, राइट. 11 से बड़ा 13 है. यू हैव टू सर्कल 13. सिमिलरली 13 बड़ा है कि 15 बड़ा है? तो 13 इधर लिखते हैं, फिर 14 आता है, फिर 15 आता है. तो हम फिर से इस तरफ चल रहे हैं. दैट मीन्स कि नंबर ये वाला बड़ा होगा, राइट. नंबर 15 बड़ा है. ऐसे ही 18 और 8 में आप देखो, 18 और 8 में आप देखो कि 8, 7 के बाद 8 आता है, फिर 9, फिर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17, 18. तो कितना इस तरफ, इस साइड चल के, राइट साइड चल के 18 आया है. दैट मीन्स डेफिनेटली 18 इज़ द बिगर नंबर. जब हम राइट साइड को चल रहे हैं नंबर्स में, दैट मीन्स जो राइट में आएगा नंबर वो बड़ा है. ओके, ये सब एक्सरसाइज आप कंप्लीट करेंगे. और ये स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर क्या कहे बेटा? स्मॉलर नंबर इज जब हम लेफ्ट साइड को चलेंगे. ओके, लेफ्ट साइड, इस साइड चलेंगे. स्मॉलर नंबर जानने के लिए इधर चलेंगे. तो जो नंबर इधर आएगा, जैसे कि आप देखो 6 और 4 में, तो 3, 4, 5, 6, तो इस तरफ तो नंबर बड़ा रहता है और इस तरफ नंबर स्मॉल रहता है. तो हमें यहाँ क्या करना है, हमें स्मॉल नंबर डार्क करना है. तो ये नंबर 4 स्मॉल है, ठीक है, नंबर 4 स्मॉल है. जब हमें स्मॉल चलना है तो हम लेफ्ट को चलने वाले नंबर को सर्कल कर देंगे. और जब हमें बिगर नंबर चाहिए तो जो राइट पे आएगा नंबर, दो नंबरों के बीच में जो राइट पर आएगा वो बिगर हो जाएगा, ठीक है बेटा. सिमिलरली आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज ये आप कंप्लीट करेंगे और ये है आपका एडिशन. ओके, एडिशन आपको पता है कैसे करना होता है, मैंने आपको सिखाया है लास्ट लेसन में. वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस वन डिजिट एडिशन. 4 + 9, 4 + 5, 9, 0 + 3.